हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एबीसी कार्ड क्या होता है, एबीसी आईडी कार्ड क्या होता है, क्योंकि अभी जब हम लोग सेमेस्टर टू का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो है ना एबीसी कार्ड मांग रहा है। तो एबीसी कार्ड क्या है यार, इसके बारे में मतलब इसको ये ज़रूरी क्यों है, इसको कैसे बनाएंगे, इसका फुल डिटेल्स हम लोग जानेंगे कैसे कैसे इसको बनाएंगे और ये क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, इसका अगर आप फुल फॉर्म जाने तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब ये बैंक से जुड़ा हुआ आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जिससे क्या है कि अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी जो है आपका सेमेस्टर टू, अभी ये जितना भी सेशन चलेगा ना आप लोग का, सब में आपका जो एबीसी कार्ड है वो जरूरत पड़ेगा आप लोग को। मतलब ये जो है आप लोग को पहले से बना करके रखना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम फॉर्म भरने में ये मदद करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एबीसी कार्ड कैसे बनाएंगे, इसका फुल डिटेल्स जानेंगे, कंप्लीट डिटेल्स कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम लोग एबीसी कार्ड को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे एबीसी कार्ड बनाने के लिए, सबसे पहले हम लोग या तो लैपटॉप पे या तो फोन में अपना गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, आपको एबीसी आईडी कार्ड सर्च करना है आपको। जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, तो ऊपर में आपका आ जाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा। देखिए, ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो है नीचे में आपका सब कुछ दिया हुआ, यहाँ पे बताया गया इसके बारे में, बैंक ऑफ क्रेडिट, बैंक ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसमें कितने अकाउंट जो है बना दिया जा चुका है, ठीक है, ये सब तो बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे देखिए आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है राइट साइड में, तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। देखिए, लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ पूछेगा, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी, तो आपको किस पे क्लिक करना है, स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए, साइन इन टू योर अकाउंट बाय डिजी लॉकर, ये इसके द्वारा जो है आपको क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया हुआ है और अदर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले से, ये मतलब उन लोगों के लिए जो पहले से साइन अप कर चुके हैं, जो इसमें से पहले से साइन अप कर चुके हैं और जो अपना डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपना मोबाइल नंबर से डाल सकते हैं, यहाँ पे पिन डाल सकते हैं, यूज़र नेम डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं अपना, एक और आपका जो है यहाँ पे अदर ऑप्शन में जाकर के आधार नंबर से आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वही स्टूडेंट लोग का है जो पहले से लॉगिन कर चुके थे, वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके फॉरगेट पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, जो आप लोग जिसके पास जो आईडी बनाया ही नहीं है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू यूज़र के लिए जो है, जो लोग नए बनाना चाहते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है साइनअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगता है, क्या करता है, फ़ोन नंबर मांगता है और जनरेट ओटीपी करने का ऑप्शन देता है। तो फ़ोन नंबर जो भी आपका डालना है, फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको ओटीपी फिल करना है, जो आपका ओटीपी रहेगा ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे फुल नेम डालने का ऑप्शन दे रहा है, आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, देखिए यहाँ पे आपको जेंडर चुनने का ऑप्शन देगा, जेंडर में आपको जो है मेल है तो मेल डाल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र नेम बनाने का ऑप्शन दे रहा है, यूज़र नेम आपको बनाना है तो अपने नाम से आप यूज़र नेम बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप अपना यूज़र नेम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूज़र नेम बनाने के बाद आपको पिन डालना है, ठीक है, और पिन जो है वो 6 अंक का रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको पिन डालना है और ये एक बार नहीं, दो बार डालना, आपको कंफर्म भी करना है, ठीक है। तो एक बार आप अपना पिन डाल लीजिए, अपना पिन सेट कर लीजिए, तो हम भी अपना पिन सेट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पिन डालने के बाद जो है सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आई कॉन्सेंट टू टर्म ऑफ यूज़ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, यूज़र नेम, यूज़र नेम जो है ऑलरेडी एक्सिस हो चुका है, मतलब यूज़र नेम आपको दूसरा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी है यूज़र नेम हम लोग दूसरा डालते हैं, देखिए ओटीपी डालने के बाद जो है आपका ऐसा इंटरफेस सामने खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपका नाम आ गया, यहाँ पे लॉगआउट ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डिजी लॉकर लिखा हुआ है, एबीसी प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेलो गौतम कुमार, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मेल है वो डाल दिया, आपका फ़ोन नंबर आप बता दिया, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रोसीड विथ KYC, आपको जो है KYC करना है और आधार नंबर के साथ KYC करना है, ठीक है। जो आपका आधार नंबर है उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। अब देखिए आधार नंबर फिल करने के बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है तुरंत सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, ये आपका ABC कार्ड बन चुका है, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, यही वाला जो आपका एग्जाम में काम देगा, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए काम देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समय में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।